हेलो दोस्तों, भारतीय रेलवे माल गोदाम सारणी संघ में आप लोग का स्वागत है। BMGS और ई श्रम से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पता किया है, ई श्रम जो है असंगठित जो बेरोजगार लोग हैं, जैसे मछली पालन, रिक्शा चालक, चाहे मजदूर ईटा ढोने वाले हों, कपड़ा खींचने वाले हों, जो सिलाई कढ़ाई बुनाई जितने भी भारत राज्य में जितने करने वाले, इन्हीं के लिए श्रम पोर्टल बनाया गया है। इन्हीं के द्वारा जो भी ये गवर्नमेंट के ये साथ के डाटा बेस पर ये जाए, ये इस फार्म फिलअप कर, यहाँ पर CSC सेंटर पर इसको भरा जा रहा है। हर जगह ये प्रोसेस हो रहा है और आप चाहे तो ऑनलाइन मोबाइल से भी कर सकते हैं, मगर ये भारतीय रेलवे माल गोदाम में नहीं आता है। दूसरी बात कि ये सही, मतलब कि इसमें जो इनकम टैक्स भरते हों, चाहे PPF भरते हों, ये नहीं भरेंगे। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो नहीं भरेंगे। और इसमें इस श्रम का ये मतलब है कि जैसे आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट कोई भी आप योजनाएं लाएंगी तो इस पर आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए ई श्रम है। इस श्रम से आप मान लीजिए पानी वाटर मिल्क आप बेच रहे हैं, या मिल्क बेच रहे हैं, आप दूध बेच रहे हैं, दही बेच रहे हैं, चाहे कुछ भी आप बेच रहे हैं, ई श्रम आप बेरोजगार में हैं, इसके लिए ये लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई आवेदन नहीं कर सकता है, जैसे मैंने बताया आप वीडियो में अभी इसी समय। तो ये समय तो भारतीय रेलवे, पता नहीं ये किस आधार पे इसको करवाया जा रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। तो कृपया आप लोग कमेंट से ज़्यादा से कमेंट करके ये भरें कि ई श्रम और BMGS के क्या बारे में आपका विचार है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं।